नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, एक बहुत शर्मनाक बात सामने आ रही है बॉयज लॉकर रूम के बारे में। अगर आपने सुना है इंस्टाग्राम के ग्रुप में, जिसमें पढ़े लिखे एजुकेटेड टीनेज बॉयज ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट, ऑब्जेक्शनेबल बातें, घिनौनी और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं अपने ग्रुप में लड़कियों के बारे में, लड़कियों के खिलाफ, जिसकी चैट लीक होने पे दिल्ली के बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल जाने वाले बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, इस पे सवाल खड़े होते हैं। ऑल्दो इस बात पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं कि वो कौन थे, सच क्या है, क्या सच नहीं है, बहुत सारी कंस्पिरेसी है इसके पीछे भी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि इंडिया के अंदर मीनिंगफुल सेक्स एजुकेशन नहीं है, राइट? सेक्स एजुकेशन इंडिया में टेक्निकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मटेरियल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही चर्चित किया जाता है, लोगों को दिया जाता है, सेक्स पे, सेक्सुअलिटी पे, प्रेगनेंसी पे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लिया जाता, क्योंकि इसकी डिलीवरी जो है वो होती ही नहीं है या ना के बराबर है। सेक्स एजुकेशन को उन्होंने वैसे तो तीन कैटेगरी में डाला हुआ है, जो कि एक सेक्स एजुकेशन कोर्स है जो एडोलेसेंट, इन्हीं छोटे कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाया जाता है, और फैमिली प्लानिंग के लिए एडल्ट्स के लिए सेक्स एजुकेशन्स होते हैं, जिसमें आपको फैमिली प्लानिंग सिखाया जाता है कि भाई आप दो बच्चे एक बच्चे के बाद में अपने नसबंदी करा लीजिए, या फैमिली प्लानिंग में कॉन्डम कैसे इस्तेमाल करना है, फलाना फलाना। और तीसरा एजुकेशन है आपका STDs का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंशन का। तो ये तीन एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है बच्चों का एजुकेशन, राइट? जी हाँ, बच्चों का एजुकेशन, जो एक्चुअली में बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज है उसमें, कि इंडियन हाउसहोल्ड में, इंडियन घरों में कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं और ऐसे डिस्कशंस को प्रोहिबिट किया जाता है। सेक्स के बारे में सोचना ही नहीं, गंदी बात है। पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं, यहाँ तक के टीचर जिनको एक्चुअली कोर्स दिया जाता है कि आप सेक्स एजुकेशन दो, बच्चों को समझाओ, वो भी रिलक्टेंट। छोड़ो, ये चैप्टर बाद में देखेंगे। वॉट एवर इट इज, ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं मिलती, लेकिन बच्चों के मन में जिज्ञासा तो है, वो कहीं ना कहीं सोच तो लेंगे। आप चाहे इसको कितना भी टैबू समझें, राइट? माँ बाप समझते हैं कि ये एम्बैरसिंग बातें हैं, गंदी बातें हैं, डर्टी बातें हैं, टीचर्स भी यही समझते हैं। जब पहली बार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने सेक्स एजुकेशन इनिशिएट किया था, तो उन्होंने बोला कि इसको एक एग्जिस्टिंग स्टडीज करिकुलम के अंदर डाल देते हैं, एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं बनाते। तो क्या हुआ, टीचर्स ने, स्कूल्स ने इसको स्किप कर दिया, छोड़ो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब स्किप कर दिया, उसके बाद कई लोगों ने जब एक अच्छे तरीके से एफर्ट भी लिया, कई सारे स्कूल्स में, यू नो, चलो खुल के नहीं बात कर सकते, तो अनोनमसली आप अपने सवाल लिख के दो, बच्चों को बुला, तो बच्चों के सवाल निकल के आते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गर्ल्स के दिमाग में, छोटे बॉयज के दिमाग में। गर्ल्स ज़्यादा सोचती हैं मेंस्ट्रुएशन, फिजिकल अपीयरेंस, नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, मैस्ट्रुएशन के बारे में। लड़कों के ज़्यादातर सवाल होते हैं नाइटफॉल, नॉक्चुरनल इमिशंस, मैस्ट्रुएशन, बॉडी साइज, पेनिस साइज, इनके बारे में। और ऑल्दो इसके बारे में एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो किसी के पास पहुंचते नहीं है, बच्चों को पता नहीं चलता। और रूरल एरियाज, अर्बन स्लम्स में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, राइट? यहाँ तक कि अगर ये एक एस्पेक्ट हुआ, दूसरा एस्पेक्ट होगा शादी का, राइट? अर्ली मैरिज का। यहाँ तक के जो रूरल अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पर बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है लोगों की, उससे पहले कि उनको सेक्सुअल नॉलेज हो थोड़ी बहुत, कि सेक्स होता क्या है, प्रिवेंशन होता क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को, अर्ली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कैसे करना, पता कुछ नहीं है, शादी पहले हो जाती है। यहाँ तक कि यूनिसेफ की रिपोर्ट अगर निकाल के देखेंगे तो 240 मिलियन वुमेन आज के डेट में इंडिया में अलाइव हैं जिनकी मैरिज हो गई 18 साल से पहले। कैन यू इमेजिन दैट, इतने सारे लोग, और वो जबकि इंडिया के अंदर विमेन की मैरिज की, फर्स्ट मैरिज की एज 20 साल कर दी गई है, 20+20, दैट इज देयर, राइट? एडोलेसेंट फर्टिलिटी प्रॉब्लम इतना है कि जो बच्चे जल्दी जल्दी मैरिज हो जाती है, उनके ऊपर प्रेशर आता है, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो, तो छोटी उम्र में बच्चे पैदा हो रहे हैं, राइट? और आज की डेट में इंडिया के अंदर बाकी सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो प्रेगनेंसी आउटसाइड वेडलॉक हैज अ वेरी बिग सोशल स्टिग्मेटा, राइट? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी
बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, पीपल जो बच्चे ऐसे ऐसी जिज्ञासा में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो वो उल्टे सीधे तरीके अपनाते हैं, डॉक्टरों के पीछे भागते हैं कि कुछ भी, डॉक्टरों के पीछे नहीं जाते, उल्टे सीधे अपनाते हैं, कोई ये नुस्खा वो उसका अपना के कॉन्ट्रासेप्शन करने की कोशिश करते हैं, बच्चा अबॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे लोगों की जान जाती है, कई सारे वुमेन्स, कई सारे बच्चे सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। सो इट्स अ बिग इशू विच इज गोइंग ऑन विदाउट प्रॉपर एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन की एजुकेशन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, राइट? इतने सारे लोग हैं दुनिया में जिनको ये तक नहीं पता कि एक मेंस्ट्रुएशन, जो उनका नॉर्मल पीरियड्स होते हैं, उसमें क्या चीजों का ध्यान रखना है बच्चों को, फीमेल्स को, किसका नहीं, हाइजीन कहाँ रखनी है कहाँ नहीं, राइट? कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में किसी को ही नहीं पता। लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आपकी, प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ कॉन्ट्रासेप्शन और सेफ एबॉर्शन है ही नहीं। यहां तक कि आप बोलोगे कि 5 मिलियन एबॉर्शन होते हैं इंडिया में हर साल, 5 मिलियन एबॉर्शन, उसमें से सिर्फ 10% होते हैं जो ढंग के हॉस्पिटल में, ढंग के सेफ एनवायरमेंट में होते हैं, सिर्फ 10%, बाकी सब अनसेफ, बाकी सब भगवान भरोसे कितने ही मर जाते हैं उसमें। और प्री मैरिटल सेक्स बढ़ते जा रहा है, जितना वेस्टर्न कल्चर है, प्री मैरिटल सेक्स है, लोगों की सोच है, वेस्टर्नाइजेशन है, वो बढ़ेगा, आप मानो ना मानो, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, राइट? और ये प्री मैरिटल सेक्स लार्ज प्रोपोर्शन में अनप्रोटेक्टेड है, शुरू होता है ये थॉट से, रिस्की बिहेवियर से, राइट? लोगों के सोच से, लोगों की बातों से, आप नहीं करोगे तो वो करेंगे, दैट्स ट्रू, मल्टीपल। और यहां तक के प्रॉब्लम्स यहां तक की नहीं है, शादी होने के बाद भी मेल्स, लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर मिडिल क्लास हो, कहीं भी हो, उनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। इंडियंस कई बार सेक्स वर्कर्स के पास, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं, वहां से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लेते हैं, अपने घर पे या वहां फैला देते हैं, राइट? फीमेल्स को पता ही नहीं चलता हमें ये कहां से हुआ। इंडियन फीमेल्स आर वल्नरेबल टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, टीनेज प्रेगनेंसी, जल्दी शादी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, राइट? ये स्टडीज में भी देखा गया है, ट्रक ड्राइवर स्पेशली वल्नरेबल होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, एक तो पता ही नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती क्या है और उसको कैसे बचाना उसका ही नहीं पता। व्हाई आर वी सो स्कैर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट सेक्स, राइट? व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज देयर कि हम बात नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा उनको, पेरेंट्स को, टीचर को, किसी को भी, ऐसा नहीं होता है, उनको पता चलेगा, वो बात करेंगे, वो ढूंढेंगे उल्टी सीधी जगह से। डेंजरस मिसकंसेप्शंस होगा, बहुत सारे अनबिलीवेबल मिसकंसेप्शंस हैं इंडिया के अंदर सेक्स के अकॉर्डिंग। लोग को लगता है सेक्स एजुकेशन इज नॉट फॉर माई चाइल्ड, इट इज बैड, राइट? बच्चे हैं, टीचर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो बोलते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई जल्दी उम्र में सेक्स सोचना ही नहीं, करना ही नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे सोचेंगे, उनको नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है अबाउट जेंडर। एक छोटा बच्चा भी पैदा होता है ना, अगर उसको आप वैसे ही नग्न छोड़ दोगे, वो कितनी बार नीचे हाथ लगाएगा, नीचे हाथ लगाता जाएगा, उसको क्यूरियोसिटी होती है। सो यू हैव टू टॉक टू हिम, बात करो ना, बात नहीं करोगे तो पता कि नहीं चलेगा। अगर आप बैन कर दोगे, लोगों को लगता है इफ यू बैन सेक्सुअल एजुकेशन चिल्ड्रन विल नेवर फाइंड आउट अबाउट इट, दैट्स रॉन्ग। नेचुरल क्यूरियोसिटी है, पता चलेगा, आप नहीं बताओगे तो उनके दिमाग में सवाल आते हैं, कैन आई गेट प्रेग्नेंट फ्रॉम वॉचिंग पॉर्न मूवीज, पीपल थिंक अबाउट दैट, राइट? आई हैव हर्ड दैट रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ सीमेन ऑन द फेस विल क्योर माई पिंपल्स, ऐसे भी लोग हैं। डज मैन एंड वुमेन स्लीप इन द सेम बेड विल कॉज प्रेगनेंसी, क्या अगर मैंने ओरल सेक्स किया, सॉलो कर लिया तो प्रेगनेंट हो जाएंगे, किसिंग से प्रेगनेंसी, लिप किस से प्रेगनेंसी, किस चीज से प्रेगनेंसी होती है सर? बहुत प्रॉब्लम है, बहुत अनएजुकेशन, बहुत ज्यादा गलत नॉलेज है लोगों के दिमाग में, राइट? सेक्स एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर द वेस्ट, इट इज रिक्वायर्ड इन इंडिया, बहुत जरूरी है इंडिया के अंदर बच्चों के दिमाग में सही नॉलेज होना। इंडिया के अंदर हाईएस्ट रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इन इंडिया, राइट? एंड वी डोंट टॉक अबाउट इट, बात करो ना, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? एडल्ट टॉपिक नहीं है सेक्स, सेक्स इज इवन, कई सारे कंट्रीज हैं जहां 4-5 साल की उम्र से सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्सुअल नॉलेज दिया जाता है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। आपके दिमाग में बातें, उनके दिमाग में आएंगी बातें, यू कैन नॉट जस्ट शट देम आउट, नहीं नहीं बंद करो, तुम अंदर जाओ, हम नहीं देखेंगे, तो प्रॉब्लम होती है, राइट? बहुत जरूरी है, याद रखिए, इंडिया के अंदर शॉकिंगली, ये तो छोड़ो सेक्सुअल अब्यूज बहुत कॉमन है,
53% चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 to 12 हैव बीन सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, दैट इज मोर देन हाफ, दैट इज वेरी सैड, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टीच चिल्ड्रन के बैड टच गुड टच क्या है, वो तो पढ़ाते हो लेकिन क्यों, वट इज दिस सेक्स अबाउट, वट इज दिस ऑल अबाउट, यू हैव टू फाइंड अ वे टू टॉक टू देम, आप बात करना पड़ेगा. इंडिया के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको हमें सॉल्व करना होगा, ये बहुत जरूरी है, ना सिर्फ उनके दिमाग के लिए, उनके मेडिकल बेनिफिट के लिए, राइट? सेक्सुअल एजुकेशन बहुत जरूरी है आपकी बीमारियों को बचाने के लिए, फीमेल्स मेल्स सब के लिए, दोनों के लिए उनकी सोच को समझना. अब टाइम है, घर पे बैठे हो, आराम से हो, टॉक टू योर चिल्ड्रन, व्हाट डू दे नो अबाउट सेक्स, व्हाट डू दे थिंक अबाउट सेक्स, मेक देम योर फ्रेंड्स, बात करो ना तभी पता चलेगा, प्लीज बात करो ना.